तो यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान के अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, और द्वितीयम ये दूसरा अवतार है। तो पहला अवतार उन्होंने बताया था मत्स्य अवतार, भगवान मछली के रूप में अवतार धारण करते हैं, और यहाँ पर दूसरा अवतार बता रहे हैं शुक्र अवतार। तो वो कहते हैं द्वितीयम तो भवाय अश्य, भवाय अश्य यानी पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया। तो पृथ्वी के ऊपर भार होता है असुरों का, और पृथ्वी को बहुत कष्ट होता है भार के कारण, तो भगवान जो है उन असुरों का वध करके पृथ्वी का भार उतारते हैं। लेकिन इस बार तो एक ही असुर ने इतना भार पैदा कर दिया पृथ्वी पर कि पृथ्वी जो है डूब गई, पानी में डूब गई। कितना कष्ट है पृथ्वी को, उसने तो पृथ्वी को जो है नीचे बिल्कुल नीचे डाल दिया पृथ्वी को। तो रसातल गताम महीम, पृथ्वी कहाँ चली गई, रसातल में चली गई। अब रसातल का यहाँ पर अर्थ दूसरा ही है, क्योंकि रसातल मिला करके सात जो वो हैं भूविवर हैं, तो ये बिल स्वर्ग कहलाते हैं, पृथ्वी के अंदर ही हैं। पृथ्वी के अंदर ही नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये सातों बिल पृथ्वी के अंदर ही हैं। तो अब ये कैसे संभव है कि जो पूरी पृथ्वी रसातल में चली जाए, रसातल तो पृथ्वी के अंदर है। तो यहाँ पर रसातल का अर्थ है गर्भ समुद्र, है प्रभुपाद ने माना है, आचार्य लोग इसको गर्भ समुद्र मानते हैं कि गर्भ समुद्र में पृथ्वी जो तैर रही है, तो उस हिरण्याक्ष ने इस पृथ्वी को गर्भ समुद्र के नीचे डाल दिया, यानी गर्भ समुद्र की सतह में, जहाँ की पृथ्वी को जो है इस प्रकार से डाला कि पता ही ना चले। समुद्र के अंदर अगर आप जाएं तो बहुत कीचड़ होगा, नीचे की साइड में बहुत कीचड़ होगा, और पृथ्वी को ऐसा धंसा दिया कीचड़ के अंदर कि अब बहुत मुश्किल है निकालना। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा समझाया कि पृथ्वी को ढोड़ने के लिए, पृथ्वी को ऊपर निकालने के लिए भगवान ने शुक्र रूप धारण किया। दो दांत जो है इस प्रकार के होते हैं कि वो जो दांतों को जो है मतलब ऐसे चला करके पृथ्वी को निकाल सकते हैं। जैसे हम बचपन में हम देखते थे कि कुएं से हम लोग पानी निकालते थे, तो कभी कभी क्या रस्सी छूट गई हाथ से तो बाल्टी चली गई कुएं में, तो बाल्टी चली गई कुएं में तो फिर कुएं से बाहर कैसे निकालें। तो हमारे पिताजी के पास एक कांटा था, तो कांटा जो है उसके अंदर डालते थे और बहुत देर में जो है कांटा इधर उधर चला करके और बाल्टी को फंसा लेते थे और फिर ऊपर निकालते थे। तो ये भी कार्य होता था कांटे के द्वारा। तो वो जो है भगवान के जो दो दांत हैं वो ऐसे कांटे की तरह हैं, तो जहाँ भी पृथ्वी हो तो उसको जो है वो निकाल सकते हैं। तो भगवान ने जो है एक इस प्रकार का उपाय किया है, तो शुक्र रूप धारण किया। तो उद्धरसन उपादत यज्ञेशा स्वकर्म बकु, तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि शुक्र जो है भगवान शुक्र नहीं है, दो प्रकार के शुक्र होते हैं। एक तो है ग्राम शुक्र, जो गाँव का सुअर होता है, तो गांव का सुअर जो होता है तो वो जो है मल खाता है, और दूसरा होता है जंगली सुअर, तो जंगली सुअर जो है मल नहीं खाता। तो भगवान ने जो शुक्र रूप जो धारण किया था वो जंगली सुअर का रूप धारण किया था, गांव के सुअर का नहीं, मल नहीं खाता। और फिर भगवान जो है यज्ञेश्वर हैं, यज्ञ के ईश्वर हैं, तो पूरा का पूरा शरीर भगवान का जो है यज्ञमय है। यह भी वर्णन आता है भागवत के तीसरे स्कंद में, यह भी वर्णन आता है कि उनके जो जो चार पैर हैं वो भी जो है यूप हैं, यज्ञ के जो है स्तंभ हैं, और उनका जो मुख है तो वो भी जो है यज्ञ का एक विशेष पात्र होता है। उनकी आँखें हैं तो वो जो है यज्ञ में जो घी की आहुति डाली जाती है तो भगवान की आँखों से वो जो है घी निकला। तो यज्ञ का जितना भी सामग्री है वो सब भगवान के शरीर से निकली है, इसलिए भगवान को अक्सर यज्ञवराह कहा जाता है, या यज्ञेशा यज्ञ के ईश्वर हैं भगवान। और उद्धरसन उपादत्त है, तो भगवान ने ये रूप धारण किया। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान का ये रूप नहीं है,
ये तो भगवान ने कुछ विशेष कारण से ये रूप धारण किया है, लेकिन भगवान का जो असली रूप है, जो स्थाई रूप है, वो तो क्या है, आदि पुरुषम, गोविंदम आदि पुरुषम। तो भगवान श्री कृष्ण ये जो है आदि पुरुष हैं, सब अवतारों के अवतारी हैं, लेकिन ये जितने भी अवतार होते हैं भगवान के, ये समय के अनुसार, समय की आवश्यकता के अनुसार भगवान अवतार धारण करते हैं। और जिस समय भगवान पृथ्वी में पृथ्वी को निकाल रहे थे, समुद्र के अंदर से पृथ्वी को निकाल रहे थे, उस समय हिरण्याक्ष जब आया तो भगवान का विरोध कर रहा है, तो कुछ ना कुछ कारण बना रहा है भगवान से झगड़ा करने के लिए। तो भगवान तो झगड़ा कभी करते नहीं, भगवान का स्वभाव तो बड़ा शांत है, तो भगवान से झगड़ा करने के लिए उसने एक कारण बना लिया है। और कारण क्या बनाया कि पृथ्वी जो है तुम क्यों निकाल रहे हो बाहर, इस पृथ्वी को तुम बाहर क्यों निकाल रहे हो, ब्रह्मा जी ने हम असुरों को ये पृथ्वी दे दी है, हम जैसा चाहें वैसा करें इस पृथ्वी का। अब देखो कितना झूठ, उनके जो है व्यवहार में झूठ और सच में कुछ अंतर नहीं, अपने पक्ष में जो कुछ भी बात होती है वो बोलेंगे। तो क्या कह रहा है कि ब्रह्मा जी ने हम असुरों को ये पृथ्वी दे दी है, हम जैसा चाहें इसका दुरुपयोग करें, जैसा भी चाहें वैसा करें। तो उसने ऐसा कहा, जबकि ब्रह्मा जी ही चिंता कर रहे थे कि पृथ्वी जो है समुद्र में डूब गई, अब कैसे निकाला जाए। और ब्रह्मा जी की चिंता को दूर करने के लिए ही भगवान उनके नथुने के अंदर से प्रकट हुए। तो इस प्रकार से हिरण्याक्ष ने भगवान के ऊपर जो है ये दोष आरोपण किया कि तुम जो है पृथ्वी को तुम नहीं ले जा सकते यहाँ से, और अगर तुम ले जाना चाहते हो तो मुझसे युद्ध करो। सबसे पहले उसने ये कारण ढूंढा कि जंगल का सुअर है यहाँ पानी में क्यों आया। तो भगवान जो है जो रूप धारण करते हैं वो जंगली सुअर का रूप धारण करते हैं, तो उसने ये आरोप लगाया कि जंगल का सुअर है यहाँ पानी में क्यों आया। अरे पानी में अगर आ गया तो तेरा क्या नुकसान हो रहा लेकिन झगड़ा करना था, तो झगड़ा करने का कोई ना कोई कारण ढूंढ रहा है। जब भगवान जो है कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर जो है पृथ्वी का जो है कारण बना लिया कि पृथ्वी को तुम क्यों निकालना है, कैसे निकालने हैं, पृथ्वी को निकाल के तुम जा नहीं सकते यहाँ से। इस प्रकार से भगवान को जो है वो आक्षेप करता रहा। और पृथ्वी चूँकि डरी हुई थी तो भगवान उस समय कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है भगवान की पत्नी है, और पत्नी के साथ में जब कोई व्यक्ति होता है तो फिर जो है उसको लिहाज करना पड़ता है। तो उस समय भगवान ने उससे कुछ बात नहीं की, और भगवान ऊपर लेके जा रहे हैं तो पीछे पीछे आ रहा है, जैसे हाथी के पीछे मगरमच्छ लग जाए। तो हाथी ऊपर जा रहा है पानी की, और मगरमच्छ नीचे है उसको जो है पकड़ रहा है। तो जब भगवान ऊपर आ गए तब पृथ्वी को उन्होंने अपनी योग शक्ति से पानी के ऊपर स्थापित कर दिया। इसके बाद फिर उन्होंने बात की, तो अभी तक बात नहीं की, पूरा जो समय था वो बोलता रहा। और उसके बाद फिर भगवान ने जब उससे बात की तो फिर कहा, भगवान ने कहा कि हाँ हम जंगली सुअर ज़रूर हैं, और यहाँ पानी में क्यों आए हैं बताऊँ, पानी में क्यों आए हैं, तुम्हारे जैसे कुत्तों का वध करने के लिए आए हैं, तुम्हारे जैसे कुत्ते। कुत्ता की जैसे कुत्ता पीछे पड़ जाए ना, आप कहीं से निकलते कुत्ता पीछे पड़ जाता है, भौं भौं कर रहा है, उसी प्रकार से वो जो है भगवान के पीछे जो है पूरे रास्ते जो है अपना बोलता रहा। तो भगवान कहते हैं कि हम जंगली जंगल के जीव हैं रहने वाले, तुम्हारे जैसे कुत्तों का जो है वध करने के लिए आए हैं। इस प्रकार से भगवान ने जो है उसका वध किया। तो ये जो कल्प है, ये श्वेतवराह कल्प कहलाता है। तो भगवान के दो अवतार हुए इसमें, तो एक अवतार हुआ पृथ्वी का जो है जल से बाहर निकालने के लिए, और दूसरा जो अवतार हुआ हिरण्याक्ष का वध करने के लिए। हिरण्याक्ष हुआ छठे मनवंतर में, हिरण्याक्ष का जन्म हुआ छठे मनवंतर में, और स्वयंभू मनवंतर में पृथ्वी डूब गई थी। तो भगवान ने वराह अवतार धारण किया तो पृथ्वी को निकाला। तो इसमें जो है मानना पड़ेगा कि भगवान के दो अवतार हुए, हिरण्याक्ष ने जो वध किया तो वो पृथ्वी का कारण उसने बनाया था हिरण्याक्ष ने भगवान से युद्ध करने के लिए, छठे मनवंतर में हिरण्याक्ष का वध किया। तो एक श्वेत वराह है भगवान का अवतार हुआ,
जो कि स्वयं मनमंत्र में हुआ और चाक्षुष मनमंत्र में जो भगवान का अवतार हुआ हिरण्याक्ष का वध करने के लिए, वो रक्त वराह कहलाते हैं। तो जो भी हो, भगवान के जितने अवतार होते हैं वो पृथ्वी का भार उतारने के लिए होते हैं, या वेदों की रक्षा के लिए होते हैं, या साधुओं की रक्षा के लिए होते हैं, या देवताओं की रक्षा के लिए होते हैं। तो ब्राह्मण हैं, साधु हैं, वेद हैं, धर्म हैं, पृथ्वी है, इनकी रक्षा के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं और ब्रह्मा जी इन अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।